इस बार खेल रहे हमारे साथ नूबू, एस एस डी गेमर, भाई द गेमर्स, नूबू वाई टी, श्यान गेमर और काफ़ी सारे बंदे हैं जो कि अभी तक ऑनलाइन नहीं आ पाए। अभी ये तीन ही बंदे ऑनलाइन थे और काफ़ी सारे बंदे हैं, आप लोगों को उनकी आगे आने वाली वीडियो में दिख जाएंगे वे। और डोंट वरी, वे अभी हैं एस एम पी के अंदर, जैसे सौरभ हो गया, काफ़ी सारे बंदे हैं। तो अभी आप इंजॉय करिए वीडियो को। तो हे बड़ी सब गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज हमारी एस एम पी की स्टार्टिंग हो चुकी है, जो कि 1 PM पे हुई थी। और ये मैंने एक टावर बनाया था इंट्रोडक्शन के लिए, ये देख सकते हैं। और इधर सारे रूल्स लिखे हुए हैं इस जगह पे। रूल्स तो नहीं, मतलब थोड़ा है कि फाइटिंग वगैरह नहीं करनी ऐसे ऐसे। और एक ये जो बंदे नए नए आए, तो मतलब नए तो आए थे सारे यहाँ पे रिस्पॉन्स सेट करने के लिए। और ये लिखा है सारा कुछ, और काफ़ी सारे बंदे हैं। आप लोगों ने जैसे इंट्रो के अंदर तो देखा ही होगा, मैं कुछ कुछ का नाम लेना भूल गया, तो सॉरी इसके लिए। और ये नूबू का सेटअप है और वो मेरा है। और ये मैंने एक छोटा सा घर बना रखा है, ये घर तो नहीं झोपड़ी, अंदर जाके दिखाऊँ तो मैंने अंडरग्राउंड हाउस बना रखा है। तो इतना छोटा हाउस में भाई मैं क्या करता। तो अंडरग्राउंड हाउस है ये, और अभी इतना ही है। और मैंने सारे नीचे स्नो से कर रखा है। आप लोगों को स्नो भी बताऊँगा कि इतनी सारी कहाँ से आई। और ये स्नो आई है हमारे स्नो फार्म से। तो स्नो फार्म हम बना सकते हैं एक गोलम के वजह से, जो आइस गोलम होता है, तो उसकी वजह से जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये वापस से आ जाएगी, देख सकते हैं। ऐसे ऐसे काम करेंगे। अभी मेरे पास शवल ही नहीं, तो आप लोगों को करके भी दिखाता। और इस चेस्ट के अंदर काफ़ी सारा सामान है। अभी बेसिकली हमें माइन करनी है, और ये मैंने कुछ लग रही है माइन करी थी एक स्टैक। और अभी हमें माइनिंग करनी है, माइनिंग करने जाना है। उसके लिए हमको काफ़ी सारे कबल स्टोन्स लगेंगे, जो कि मैं बनाऊँगा उससे बताऊँ। हाँ, पिकैक्स और कोल होंगे क्या? कोल नहीं है, चारकोल है, चारकोल ही डाल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। और ये आगे चारकोल से टॉर्चेस और लकड़ी अपने पास ही रखते हैं, थोड़ी सी रख लेते हैं, इतनी 21 के करीब। ये चारकोल भी रख लेते हैं। और अब हम नीचे एक शवल भी बना लेता हूँ, शवल की भी ज़रूरत पड़ती रहती है कभी कभी। ये शवल, और इधर से मैंने अपनी माइन स्टार्ट करी थी, पर इधर से कोई फ़ायदा नहीं की। उधर से भाई द गेमर्स की माइन आती है, और वो माइन उसने क्लेम करा कि उसने मना करा है कि कोई भी उस माइन को यूज़ नहीं करेगा, इसलिए सॉरी। और अभी हम इस वाली माइन के अंदर चलते हैं, और मैं ऐसे स्ट्रेट डिग डाउन करूँगा, क्योंकि अभी मैंने हेडफोन पहन रखे हैं, तो उसके वजह से मुझको पता चल जाएगा कि लावा है या नहीं। और आगे जाके इधर लैडर भी लगा दूँगा। तो अभी मैं 12 लेवल पे जाके मिलता हूँ आप लोगों को। सो कल अब आप लोग देख सकते हैं हमको यहाँ आयरन मिल गया है। आयरन तो वैसे मेरे पास पहले से भी था, पर हाँ मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि वीडियो का फर्स्ट आयरन मिल चुका है, और काफ़ी सारा लग रहा है मेरे को ये, तो ले लेते हैं। और इस बार मेरा कोई भी पार्टनर नहीं बनाया मैंने, इस बार मैं सोलो करूँगा। और ये गुरु, इसका मतलब पंजाब द गेमर ज्वाइन हो चुके हैं, तो ये सिंपल सी बात है भाई, फाइव वगैरह भेज देगा। चलो कोई नहीं, देखो आई एम रिकॉर्डिंग। चलो इसको कह के हम अपना काम पे लगते हैं। और इधर से हम ऐसे नीचे चलते हैं, और आप लोगों वापस से मैं 12 लेवल पे जाके मिलता हूँ। गाइस अब आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे गोल्ड मिल चुका है हमको, और हमारे पास 3 आयरन भी होंगे, तो कबल स्टोन भी है। तो हम यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना के क्या है, अच्छा तो इधर लगा के हम टॉर्चेस नहीं बनानी भाई, हमको एक फर्नेस बनाना है। और यहीं पर ही आयरन की बना लूँगा मैं एक पिकैक्स। और वैसे भी आ ही चुके हैं हम, 15 लेवल पे आ चुके हैं, तो अच्छी बात है। और मेरे पास एक चारकोल भी था भाई, अच्छी बात ये है। चलो अभी तो हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करते हैं ये वाली माइनिंग, तो ऐसे करके ऐसे वाली माइनिंग कर लेते हैं अभी तो थोड़ी सी देर। तो पहुँच ही गए, बस आ गए। और अब यहाँ से हमें एक बनानी है स्ट्रिप माइन, तो उसके लिए स्ट्रिप माइन का आपको पता ही है, ऐसे 4 ब्लॉक का करना होता है पहले। तो
सॉरी गाइस, एक कॉल आ गई थी तो वीडियो बीच में रुक गई थी। तो अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं। मैंने हो गया है सर्वर लोड और हम माइन के अंदर थे। क्या है, मैं कहाँ पे हूँ भाई? अरे ये मुझे बंद क्यों करके चला गया? अरे भाई थैंक यू भाई, थैंक यू ब्रो, आपकी वजह से मैं 4 टाइम मर गया। चलो ये गुरु है, आप लोगों को नहीं पता तो पंजाब द गेमर, और ये भी ग्लैड एसएमपी में थे। तो लैडर तो लगाने देते, अब ये लो 40 लैडर्स बना के लाए हैं भाई। हटो तो यार, हटो। चलो अब हम लैडर लगाते चलते हैं। चलो वो भी आ जाएंगे अपने आप ही भाई। थैंक्स भाई यार, आपने लैडर की इतनी मदद कर दी। मेरे पास फूड भी नहीं है यार, मैं फूड भूल गया घर पे ही। चलो हमारा घर पास में ही है तो हम जल्दी से चलते हैं। और थैंक्स भाई वापस से यार आपका लैडर लगाने के लिए। भाई मैं सोच ही रहा था लैडर लेके आनी पड़ेगी वापस से। सो जाओ। ओके चलो। और यार मैंने भाई मुझे शील्ड क्यों नहीं आ रहा था शील्ड बनाने की? शील्ड कितनी अच्छी चीज़ है यार, फिर भी मैं शील्ड नहीं बनाता भाई। ये थी मेरी मछलियाँ। ये कौन मार रहा है? अच्छा, अरे भाई ऐसी की तैसी तुम्हारी, मर गया ना। चलो बाय द वे नाइस हाउस, थैंक्स। चलो अब हम चलते हैं जल्दी से और ये उनकी लैडर में ले लेंगे खुद। तोड़ दो भाई। चलो क्या है भाई, कैसे आए यार आप? चलो कोई नहीं, हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुका होगा। यस, और एक आयरन की पिक बनाते हैं और इसको गोल्ड को ले लेते हैं। सॉरी। और ये आ गया भाई हमारा फर्स्ट गोल्ड इस गेम का। आई वांट फ्लिंट। है ना मेरे पास, ये लो। नीचे आओ। चलो यार भाई अब हम अपने स्टार्ट करते हैं। ये को यहाँ लगा देते हैं जिससे कि हम ऊपर जा सके। और ये हमारी स्लिप माइन है तो यहाँ पे हम अभी आगे तक जाएंगे थोड़ा सा। और के लिए मैं ये डाल देता हूँ फ्लिंट यहाँ। अरे दे तो दिया भाई, चेक योर इन्वेंटरी। इन्वेंटरी देखो भाई, डांस कर रहे भाई। रुको भाई, ये लो। चलो यार अब हम चलते हैं, काम करते हैं अब अपना। रेडस्टोन, चलो भाई रेडस्टोन भी मिल गया। अरे भाई डायमंड, भाई रुक भाई, डायमंड्स मिल गए यार, ये भाई मजे आ गए। चलो यार लोल, गेम आइड गिव मी दैट। भाई क्यों तू भाई, मैं हटो भाई, हटो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, प्लीज डायमंड्स आर माइन। अरे भाई डायमंड डायमंड, भाई मैं बता रहा हूँ यार, भाई यार देखो
मेरा है। भाई मैं क्यों दूँ यार अपना भाई, यार देखो भाई वो भी यार तुक्के में निकल गया वहां पे, क्या चाहिए यार। चलो भाई ले लेते हैं। गो आई एम चलो ये हमारे गेम का एक तरफ यहाँ से बंद कर देते हैं हम इसको। भाई भाई तंग आ गया भाई, अब छोड़ो हम तो अपनी माइनिंग करते हैं। चलो थोड़ा सा आगे तक जाएंगे और फिर उसके बाद हमें ऐसे, मेरा नेट गड़बड़ कर रहा है भाई। चलो गाइस आज हमारे पहले डायमंड्स तो मिल गए। भाई बंद करके चलेगी मुझको, चलो यहाँ से चलते हैं अब आगे तक। और ये एक अच्छी माइन बन जाएगी हमारे लिए और इसके अंदर हम पूरा टाइम लगाया करेंगे अब जब भी माइनिंग करनी होगी, और अच्छी बनाएंगे इस माइन को और ज़्यादा से ज़्यादा। आई फाउंड अ विलेज, मैंने देखा ये वाटर की आवाज़ कहाँ से आ रही है, यह कहीं केव है क्या, शायद हो सकती है, पक्का नहीं पता। चलो चलते हैं अभी आगे तक, इधर लगा देते हैं टॉर्च जैसे कि यहाँ पे हो जाए उजाला। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना मत भूलना, और सेक्टर जैसे एमपीबी की अगली मुझे चाहिए रेडस्टोन है, इधर रेडस्टोन भी ले लेंगे और साथ में आयरन भी है, आयरन भी ले लेते हैं। आयरन अब हमें काफ़ी सारा मिलता रहेगा, हमने एक तो केव जो बना लिए, केव नियर माइन। और इधर ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है भाई, ज़ॉम्बड़ू। चलो वैसे तो मुझे गिमी, भाई गिमी क्या होता है, गिव मी बोलो ना लेटर। चलो अभी हम थोड़ा और आगे तक चलते हैं, मैं इसी की माइंड कर रहा हूँ, इसकी तो अभी ज़रूरत है इतनी सारी है ना। 64 एमरल्ड कहाँ से लाऊं मैं, चलो कोई नहीं। चलो अभी के लिए इतनी काफ़ी है, अभी हमें थोड़ा ऐसे भी करना होगा, ऐसे और चलो अब जल्दी से बेसिकली 4x4 का ही बनाते हैं यार, हर जगह से 4x4 का ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके अंदर थोड़े चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं मिलने के। इट्स अ मोड, बंदा है भाई क्या है यार, ये बंदा है द वंडरिंग ट्रेडर इज सेलिंग। उन्होंने सोचा यार उसी में वंडरिंग ट्रेडर का दिमाग खराब हो गया है। चलो कोई नहीं भाई,
चलो कोई नहीं, जल्दी से हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी स्लिप माइन करते हैं। वन एमरल्ड वन डायमंड, पता भाई मैंने चेक ही नहीं करी आर्डर उसकी। मैं तो बस ये मोड मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, उसने बनाया है खुद का, तो मैंने तो डाउनलोड कर लिया। चलो इस वाले को ऑर्डर नहीं करेंगे अभी, हम दूसरे वाली करते हैं। चलो अरे भाई जाने तो देते हैं भाई यार, प्लीज़ यार तंग मत करो। देखो अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार मैं, देखो वॉन्डरिंग ट्रेडर मैंने देखा हुआ है भाई पहले। चलो दो ब्लॉक यहाँ से छोड़ के यहाँ से करनी है अब हमको, थोड़ी ये वही घटिया साउंड इफेक्ट्स। चलते हम थोड़ा आगे तक और फिर वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाने लग गया हूँ, क्योंकि पहले भाई कोई बंदा पूरी वीडियो नहीं देखता था, पर देखते भी होंगे तो मुझे पता नहीं चलता था, या तो YT स्टूडियो में कुछ गड़बड़ है। मेरे में ज़्यादातर ये दिखाता था कि 3 मिनट तक देखिए भाई एक बंदे ने। तो अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते थे पहले भी तो ज़रूर से बताना मुझे कमेंट के अंदर, फिर मैं वापस से बड़ी वीडियो बनाना कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं ऐसे ही छोटी छोटी बनाऊँगा 20 मिनट से कम की वीडियोज़। अभी तो ये हम टाइम लैप्स के अंदर कर लेते हैं भाई, आप भी बोर हो गए होंगे लोग, मैं इसको टाइम लैप्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो कितना काफ़ी है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना, और आज हमें 3 डायमंड मिली, उसकी मैंने एक डायमंड पिकैक्स बना ली और साथ में उद्घाटन भी कर लिया एक ब्लॉक तोड़ के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप हमारी फुल वीडियो देखते हैं या आधी वीडियो, तो कोई ना। और अभी मुझे बस एक तलाश है जो कि है ऑब्सीडियन की, ऑब्सीडियन मिले तो हम नेदर पोर्टल बनाएंगे और साथ में अपनी इंचेंटिंग टेबल भी, और उसके लिए 2 डायमंड बेसिकली और चाहिए। और ये एक तरह का हमने इंट्रो के लिए और साथ में आउट्रो के लिए बना रखा है ये जगह ऊपर एक टावर सा। तो इंट्रो में तो शुरुआत में जो इंट्रो होगा उसके अंदर कुछ बंदे रह गए थे जो कि मेरे से छूट गए थे, लेकिन आपको वे लिंक उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब बंदों का। तो आज की वीडियो कितना काफ़ी, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टाटा टेक केयर, और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा टेक केयर।